हेलो गाइस, मैं हूं सीमा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है रोज चिप्स एट होम। दोस्तों, आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो के अंदर हमारी रेमेडी है, हमारा बाउल के अंदर हमें डालना है जो हमारी पहली चीज है, वो है हमारी मुल्तानी मिट्टी। ये जितनी नॉर्मल और सिंपल दिखती है ये उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप चाहे तो इसको मार्केट से भी ले सकते हैं या अगर आपके घर पर है तो आप उसको भी पीस सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी दूसरी चीज है वो है हमारी हल्दी, वो लेनी है हमें थोड़ी सी, एक पिंच। और इसके बाद जो हमारी तीसरी चीज है वो है हमारा लेमन नींबू, ये हमें डालना है आधा इस तरीके से। जो लेमन होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है, वो आपकी स्किन से दाग धब्बों, पिंपल्स और इन सब चीजों को खत्म करता है। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं तो उनको भी ये हटाता है। इसके बाद जो हमारी चौथी और आज की रेमेडी के अंदर आखिरी चीज है वो है हमारा रोज वाटर, वो हमें लेना है एक चम्मच। इस तरीके से हमें लेना है, उसको मिक्स करना है, हमें ये पतला सा पेस्ट बनाना है एक। अब ये थोड़ा गाढ़ा रह गया है तो मैं इसके अंदर एक चम्मच रोज वाटर और मिक्स करूंगी। अब ये मैंने इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। और जो हमारा फेस पैक है वो बनकर तैयार हो गया है। इसमें जो चारों ही चीजें हैं वो स्किन के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपके स्किन पर चाहे किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे ऑयली स्किन है तो ये उस ऑयल को कंट्रोल करेगा, पिगमेंटेशन है तो उस निशानों को हटाएगा, पिगमेंटेशन को धीरे धीरे कम करेगा, एक्ने, पिंपल्स या जो भी चीजें हैं किसी भी टाइप की, ये सबके लिए बेस्ट है। तो आइए, बनकर तैयार हो गई है रेमेडी, तो अब मैं बताऊंगी कैसे आपको इसे यूज करना है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो हमारी रेमेडी है वो बनकर तैयार हो गई है। उसको बनाने के लिए मैंने खाली बाउल में एक चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। अगर आपके पास घर पे मुल्तानी मिट्टी है तो अच्छी बात, आप उसको पीस सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी इसको ले सकते हैं, ये किसी भी शॉप से इजीली मिल जाती है और ये बड़ी सस्ती होती है। और जो दूसरी चीज है हमारी आज की वो है हमारी हल्दी। हल्दी ली है मैंने एक पिंच क्योंकि इस मौसम में हल्दी का ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ये हमारी स्किन को काला करती है। और हमारी जो तीसरी चीज है वो है हमारा नींबू लेमन, वो लिया है मैंने आधा क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है। ये दोनों ही चीजें हमारी स्किन के लिए बेस्ट होती हैं। हमारी स्किन पर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे एक्ने, पिंपल्स, कुछ भी कोई निशान होता है, स्किन ड्राई है, ऑयली है, मतलब हर स्किन के लिए बेस्ट होता है। और हमारी चौथी और आखिरी चीज है जो आज की वो है हमारा रोज वाटर, वो लिया है मैंने इसमें दो चम्मच। दोनों को लेके मैंने इन सब रेमेडी को, पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा एक पतला सा पेस्ट बन गया है फेस पैक। अब मैं इसको किस तरीके से आप लोगों को यूज करना है वो बताऊंगी। तो आपको एक पैक ब्रश लेनी है, पैक ब्रश से इसको एक ऊपर से फोरहेड से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से आपको अपने फेस पर, पूरे फेस पर अप्लाई करना है इस तरीके से। बस ये मेरे फेस पर अच्छी तरह से लग गया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट तक रखूंगी जब तक ये ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसको नॉर्मल पानी से धो दूंगी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज की वीडियो के अंदर जो हमारी रेमेडी है उसको बनाना और अप्लाई करना दोनों ही कितना इजी है। आपको भी कम से कम इसको हफ्ते में दो बार ऐसे ही बनाना और ऐसे ही अप्लाई करना जैसे मैंने बताया है। ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छी है, हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, चाहे नॉर्मल है, चाहे कॉम्बिनेशन है, चाहे ड्राई है, सबके लिए बेस्ट है ये। तो दोस्तों, बस आप इसको इसी तरीके से बनाएं और यूज करें और मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको ये मेरी वीडियो या रेमेडी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।